आज फाइनली खुलासा हो गया है या कहेंगे होने जा रहा है, विराज प्रार्थना से कुछ कह रहा है और यही खुलासा लेकर आज हम यहाँ खड़े हैं। तो क्या विराज, क्या खुलासा हो रहा है? मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली अपने दिल की बात बताने की। सो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सच बता दूँ प्रार्थना, मैं आपको फाइनली आंखों में आके डाल के। सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। पर प्रार्थना के मन में कुछ और चल रहा है और आपके जबान पे कुछ और है। राइट, मेरे दिल में कुछ और है, प्रार्थना के दिल में कुछ और है, प्रार्थना मैम के दिल में कुछ और है। तो मेरे दिल में अभी कन्फ्यूजन चल रही है कि वो प्रार्थना है या प्रार्थना मैम है। तो प्रार्थना, ये जो उलझन है वो कैसे सुलझने वाली? यू नो वॉट, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि ये मुझे पता चल चुका है। मुझे लगता है मैं इसके साथ ज़्यादा खूबसूरत लगती हूँ, तो कोई बात नहीं है, डोंट माइंड दिस, इवन आई एम नॉट माइंडिंग दिस। सो द थिंग इज, मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे ये कन्फेस करने आया है दैट ही लव्स मी। तो मैं उस जोन में हूँ कि अच्छा, नाउ तो आई नो ना ही लव्स मी, ऐसा मुझे पता चल गया है, आगे के एपिसोड्स में आएगा। तो मैं ये सोच रही हूँ, बट मुझे नहीं पता है कि इनकी रियल में क्या सच्चाई है। तो जब वो सच्चाई मेरे सामने आएगी तो पता नहीं प्रार्थना क्या करेगी, क्योंकि वो तो सच की देवी है, झूठ पसंद ही नहीं है उसको। तो मुझे नहीं पता प्रार्थना का रिएक्शन कैसे होगा। पर प्रार्थना के मन में भी प्यार है, ये तो कंफर्म हो गया है। प्रार्थना के मन में लाइकिंग तो ऑब्वियसली स्ट्रांगली है, क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी बहुत प्राइवेट चीज़ें भी विराज के साथ शेयर करती आई है, तो वो ऐसा तभी कोई लड़की करती है जब वो इंसान बहुत क्लोज हो। तो प्रार्थना को ऐसा एहसास दिलाती है मेघना कि अरे, तूने उसके साथ सब कुछ शेयर किया जो मेरे साथ भी नहीं किया, अपने माँ बाप के साथ नहीं किया। तो तुम्हें पता होगा वो कितना इंसान तुम्हारे क्लोज है कि तुमने सब कुछ उससे शेयर किए। तो उसको ये रियलाइजेशन है कि हाँ यार, मतलब मैंने तो सब कुछ उसको बताया है। तो ऑफकोर्स वो स्ट्रांग लाइकिंग है और ऑब्वियसली प्यार भी है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करी, वो अभी भी उस डिनाइल मोड में है कि मे बी आई लाइक हिम बट आई डोंट लव हिम दैट मच, ऐसा कुछ। तो विराज, आज सच के साथ साथ कुछ प्यार भरी बातें भी हो जाए, कुछ प्रपोज अभी यहाँ अगर थोड़ा सा, बट डिफरेंट होना चाहिए, वरना मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। प्रार्थना मैम, मतलब प्रार्थना मैम, प्रार्थना मैम, दांत मत निकालियो वरना पहले रिजेक्ट हो तू। नहीं, अभी तो तू बोल नहीं सकती ना, क्योंकि अभी साहिल नहीं बोल रहा है, विराज बोल रहा है। हां बोलो विराज। प्रार्थना मैम, आप जिंदगी भर मेरे ब्लेजर का हैंगर बनने के लिए तैयार हो? तो हम साथ साथ, मतलब आपकी छोटी छोटी चीजें संभलवा सकता है जो इंसान, मैं आपका ये एंटीना संभालूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, मैं लाइव लूंगा आपका ये एंटीना संभालूंगा। यू नो, मैं इनकी शक्ल पे क्या लिखना चाहती हूँ, इस लड़के की शक्ल पे, इस क्रॉस का मतलब क्या, रिजेक्टेड, आई रिजेक्ट हिम, बट आई विल एक्सेप्ट दिस, आई विल टेक केयर ऑफ दिस, आई प्रॉमिस। I promise. I'll take care of your antenna for lifelong. Please. मैं आपसे promise करता हूँ प्रार्थना मैम कि आपका antenna मैं 24 घंटे संभालूंगा। Thank you so much. मुझे ऐसे इंसान की जरूरत है जो मुझे संभाल सके, मेरे antenna को संभाल सके, मेरे सारे नखरे संभाल सके, और ऐसा लड़का मुझे मिला तो मैं जाने थोड़ी दूंगी। दो लाइनें. आपकी क्या गाऊं? कौन सा गाना गाऊं? मेरे लिए कौन सा? सावली सिराज। तुझे मेरा भी दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझे मेरा भी दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, रब ने बना दी जोड़ी। Love you all, keep watching Ladies Special. Monday to Friday, 9 to 3 p.m. Thank you so much. Thank you so much.